तो बच्चों मैं वाला सॉल्व करता हूँ। देखिए बच्चों इन तीनों में क्या है, देखो जीरो 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 लगा हुआ है, इसका मतलब है इनको फैक्टर्स ले लेता हूँ। पहले मैं इसका फैक्टर ले लेता हूँ, जो 10 तो हो जाएगा 6x² - 7x - 3। अब मैं इसका जो भी है इसका फैक्टर्स निकाल लेता हूँ, है ना, इसको स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये देखो 10 तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा 6 3 18, -18 आ चुका है, तो ये हो जाएगा 2 9 जा, ठीक है, और 9 1 जा, तो 9 और 2, देखो 9 माइनस का लूँगा प्लस 2 का लूँगा, तो ये हो जाएगा 9 - 9 + 2 हो जाएगा -7, और देखो -9 × 2 होगा -18। देखो कितना इजी है ये, तो बस अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 6x² + 2x - 9x - 3 = 0। तो देखो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे, इन दोनों में से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, जाएगा 3x + 1 - यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 3x - -1 + 1, और देखो ये हो जाएगा 2x - 3, 3x + 1, और देखो ये ब्रैकेट के बाहर है, ये 10 भी तो इसका था, तो देखो ये आ गया मेरा इसका आंसर। अच्छा जब भी आप पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, x² y² और देखो xy, तो ये जो एक्स वाई होता है ना इसको तोड़ना होता है, ठीक है, जो x² + y² + 2xy या जो भी है, तो इस एक्स वाई को तोड़ना है, इनको नहीं तोड़ा जाता है, इस बीच वाले को स्प्लिट किया जाता है। तो देखो ये होगा 7, अब 7 देखो मैंने बताया था ये 7 और ये 6, तो 7 × 1 कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका, इसको -7 + 1 ले लोगे तो -6 आ जाएगा, और -7 × 1 करोगे तो -7 ही आने वाला है। तो देखो ये -7 और +1 मेरा फैक्टर्स हो गया, तो देखो मैं इसको कैसे तोड़ता हूँ बीच वाले को, तो ये जाएगा x² - 7xy, ठीक है, ये -xy, ठीक है, +xy - 7xy - 7y². तो देखो मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन, तो x + y, इन दोनों में क्या कॉमन, 7y इस पे में कॉमन है, तो ये x - y, -, तो देखो ये दोनों सेम आ गए, तो x + y और आ गया x - 7y, तो देखो ये भी और ये भी आ चुका है मेरा सेकेंड पार्ट भी।